नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मित्र ने पूछा ब्रेकअप के बारे में एक वीडियो बनाओ। मैं लव गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से मैं बता सकता हूँ, मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से, कि प्यार और बिछड़ना बेसिकली क्या चीज़ होता है। हमारा जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। ये इसलिए रिलीज़ करते हैं क्योंकि बॉडी को रेगुलेट करना वो एक बात है, लेकिन दूसरा बात ये इमोशंस को भी रेगुलेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज़ होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। सो डोपामाइन और सेरोटोनिन कब रिलीज़ होते हैं? डोपामाइन तब रिलीज़ होता है जब आप बहुत खुश होते हैं और जब आपका एंटिसिपेशन ज़्यादा रहता है, मतलब एक्साइटमेंट, मतलब वो लड़की मुझे पटेगी कि नहीं, पटेगी कि नहीं, क्या लड़की मुझे देख रही है, क्या मुझे स्माइल कर रही है, मेरे तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है, उस एंटिसिपेशन से, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से नहीं। प्यार आप जब पा लेते हैं तब डोपामिन उतना रिलीज़ नहीं होता है। प्यार पाने का जो आपके माइंड में जो खून तेज़ी से दौड़ रहा है, उस एंटिसिपेशन से डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, और ये डोपामिन आपको खा जाता है बेसिकली। और सेरोटोनिन ऑफ कोर्स तब रिलीज़ होता है जब आपको भूख लगता है, या मेडिटेशन में, या सुबह 4 बजे सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, वो भी आपको खुश रखता है। और एक एक्सरसाइज में एंडोर्फिन करके एक ये रिलीज़ होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तब एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है। और एक हार्मोन है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी ऐसा ही रिलीज़ होता है। सो बेसिकली आपका जो शरीर है वो एक केमिकल्स का डब्बा है, और एंटिटीज़ और काल चाहते हैं कि आपका एनर्जी जल्दी ख़त्म हो, आप मर जाएं, क्योंकि बॉडी का अंदर एनर्जी नहीं बचा, तो आप उठ के चांद को चले जाएं, वेटिंग रूम में वेट करें भूत बन के, फिर आके और एक शरीर आपको चुने। सो लाखों करोड़ों साल से हम उस लूप में हैं, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमें एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है। हमारा जो एक्चुअल शरीर है जो सो रहा है, वहाँ हम नहीं पहुँचते। मरने के बाद हम चांद को पहुँच जाते हैं, फिर चांद से हमारा जो सूक्ष्म शरीर बादल में घुसता है, बारिश होती है तो ज़मीन में जाता है, ज़मीन में जाके वो पेड़ के रूट से, जड़ों से मिक्स होके पेड़ के अंदर फल फूल बनता है, और वो फल या वो वेजिटेबल कोई आदमी खाता है, और वो उसके ब्लड में जाता है, और फाइनली वो उसका स्पर्म बनता है, और जब वो किसी औरत के साथ मिलता है तो वो स्पर्म जाके अंडा को टच करता है, और वो बच्चा बनता है, एम्ब्रियो बनता है और बाहर आता है, और इसी लूप में हैं हम। तो बेसिकली जब आपका ब्रेकअप होता है तो और ज़्यादा केमिकल्स, और ज़्यादा ये रिलीज़ होता है, क्योंकि आपने जो चाहा था वो आपको नहीं मिला। आपने सोचा कि वहाँ कोई स्वर्ग है, क्योंकि प्यार वो स्वर्ग का अनुभूति दिलाता है जो कोई भी और इमोशन नहीं दिलाता। सो इसलिए सब लोग मिस्टेक में जीते हैं, ये सोचते हैं कि प्यार ही सबसे बड़ा इमोशन है। प्यार सबसे बड़ा इमोशन नहीं है, प्यार से भी ऊपर और एक इमोशन है, इमोशन भी नहीं बोल सकते उसको, एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं आनंद, और उस आनंद का कोई रीज़न नहीं होता। वो प्यार में जो आपका हार्मोन्स रिलीज़ होता है उससे
मतलब कोई हार्मोन आनंद से कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं होता और आप ब्लिस स्टेट में होते हो। जैसे कि मैं एक महीने पहले जब मैं सो रहा था, मैं अपने बॉडी के अंदर से उठ के मैं चला गया 2-3 मीटर, मुझे साफ पता चला कि मैं अपना शरीर नहीं हूँ और मैं भयंकर आनंद मिला मेरे को। मेरे बॉडी का एकदम ऐसा वाइब्रेट हो रहा था कि मज़ा आ गया एकदम। जब मेरे गुरु मेरे को मंत्र दिए थे 2002 में, तो तभी मैं 5 दिन ऐसा लगा कि मैं 5 दिन हवा में उड़ रहा हूँ। उसके बाद मेरे को प्यार हो गया, प्यार के बाद वो टूट भी गया, फिर वो डिप्रेशन में चला गया और मैं 6 महीना मेरा एनर्जी पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन फिर से मेरे मेन गुरु आए, उन्होंने मुझे बताया, मेडिटेशन बताया, ये बताया, वो बताया। तो जब प्यार टूटता है तो आदमी का जो पागल हो जाता है, और वो कुछ लोग मेरे जैसे लोग अब पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अंधाधुन पिक्चर देखते हैं, कुछ लोग अंधाधुन खाना खाते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ होता है प्यार के टूटने से, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपको मिला नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोजेक्शन थ्योरी के हिसाब से एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू। वो जो भी लड़की है, लड़का जो भी है बाहर, वो एक्चुअली एक प्रोजेक्शन है। इंसेप्शन मूवी देखिए, जिसमें लियोनार्डो कैप्रियो और साकी बाकी उसके दोस्त सब जब सपने में जाते हैं तो लियोनार्डो कैप्रियो की बीवी आती है सपने में, तो ये पोस्ट बोलता है कि वो मेरी प्रोजेक्शन है, वो सच में नहीं है, वो बस एक प्रोजेक्शन है। यू हैव टू ट्राई टू गो टू द न्यूट्रल स्टेट। हाँ, आपको डेफिनेटली प्यार के टूटने के 6 महीने तक हैंगओवर तो रहेगा ही, क्योंकि ये मदिरा से भी पावरफुल है। मदिरा का जो हैंगओवर है वो 1-2 दिन तक रहता है, दारू का हैंगओवर। लेकिन प्यार का हैंगओवर 6 महीना, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है बाहर निकलने में। तो आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ज़्यादा ज्ञान पाना चाहिए, मेरे सारे वीडियोस को देखो, आध्यात्मिकता की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, शायद आपका दर्द थोड़ा कम हो। क्योंकि दर्द उतना आसानी से कम नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।